हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। लास्ट की वीडियोस में जो कॉकरोच की पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और सेंस ऑर्गन, ये पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? टेस्टिस होती, पेयर टेस्टिस का होता है, वैसा डिफरेंसिया, इजेक्युलेटरी डक्ट, यूट्रिकुलर ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, जेनिटल पाउच एंड गोनेपोफाइसिस, ये पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो वन बाय वन हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर टेस्टिस देखें कॉकरोच की, तो ये यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है ऊपर की साइड, ये एक पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो टेस्टिस कैसी होती हैं? पेयर्ड एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, पेयर्ड एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि फैट बॉडीज के अंदर एम्बेडेड होती है। यानी ये जो टेस्टिस है इनको कवर करने के लिए प्रेजेंट होती है फैट बॉडीज, फैट बॉडीज के अंदर ये कवर रखती है, एम्बेडेड होती है फैट बॉडीज के अंदर। प्रेजेंट होती है डोर्सो लेटरली ये प्रेजेंट होती है और 4 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर, 4 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट जो होगा उसके अंदर ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट होता है। ये जो टेस्टिस होती है अब यहाँ पे इनके, ये जो टेस्टिस है इनके अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इन टेस्टिस के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लोब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इन लोब्स के अंदर, ये जो लोब्स हैं इनके अंदर फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 30 to 40 फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन फोलिकल्स को वेसिकल्स भी बोला जाता है। जो ये छोटे छोटे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये क्या है? फोलिकल्स और वेसिकल्स हैं। ये जो फोलिकल्स और वेसिकल्स है एक लॉन्गिट्यूडनल सीरीज के अंदर अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल सीरीज, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सीरीज के अंदर। और ये अरेंज होके जो वैसा डिफरेंसिया है उसके अराउंड, यहाँ से नेक्स्ट वैसा डिफरेंसिया निकलेगा, वैसा डिफरेंसिया के अराउंड क्या हो जाते हैं, ये अरेंज कर लेते हैं खुद को। तो अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल सीरीज अराउंड द वैसा डिफरेंसिया, वैसा डिफरेंसिया के अराउंड ये खुद को सराउंड कर लेते हैं। इसके बाद अगर यंग की बात करें, यानी कि जो यंग कॉकरोच होगा उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही अडल्ट बन जाता है कॉकरोच इसके अंदर टेस्टिस जो है रिड्यूस्ड हो जाती है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये नॉन फंक्शनल हो जाती है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। इसके बाद जो टेस्टिस है, टेस्टिस किसके अंदर ओपन होंगी, वैसा डिफरेंस के अंदर या फिर वैसा डिफरेंसिया के अंदर। तो वैसा डिफरेंसिया भी क्या है, एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि दो टेस्टिस है एक पेयर टेस्टिस का है तो पेयर ही क्या प्रेजेंट होगा, एक पेयर प्रेजेंट होगा वैसा डिफरेंसिया का। और ये जो पेयर है ये नैरो होगा, नैरो स्ट्रक्चर होगा, एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि यहाँ से निकल रहा है, एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है दोनों साइड से क्या हो रहा है, ये टेस्टिस से निकल रहा है। और ये अराइज होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट से, अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, यानी कि जो पीछे का पार्ट है, यहाँ पे ये इंटीरियर पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया टेस्टिस का, तो पोस्टीरियर पार्ट से ही क्या होता है, अराइज होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस। अब ये अराइज होके ये ओपन होता है, यानी कि ये लीड करता है, ओपन होगा, ये ओपन होता है एक डक्ट के अंदर जिसको बोलते हैं मीडियन डक्ट, और इस मीडियन डक्ट को इजेक्यूलेटरी डक्ट भी बोला जाता है,
इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगी ये जो येलो कलर की नजर आ रही है वो क्या है, इजेक्यूलेटरी डक्ट होगी। अब इसके अंदर स्पंज जो है टेस्टिस से वैसा डिफरेंस के थ्रू इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर आएंगे। तो इनके अंदर जो मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट के थ्रू ये मूव करते हैं स्पम्स, वो मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसके थ्रू क्या होती है, स्पम्स यहाँ पे मूव करती हैं। और ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है ये प्रेजेंट होती है 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। जो 7th एब्डोमिनल सेगमेंट प्रेजेंट होगा कॉकरोच का, उसके अंदर ये इजेक्यूलेटरी डक्ट प्रेजेंट होगी। अब ये जो वैसा डिफरेंसिया की हम बात कर रहे थे, वैसा डिफरेंसिया किसके अंदर लीड करेगा, इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट अगर इजेक्यूलेटरी डक्ट की बात करें, जो ये येलो कलर की है इजेक्यूलेटरी डक्ट, इजेक्यूलेटरी एक वाइड डक्ट होती है, ये वाइड होती है, मीडियन होती है, एंड ये होती है ग्लैंडुलर, साथ में ये मस्कुलर भी होती है, ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर डक्ट होती है, यानी कि इसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगी और ये मसल्स की बनी होगी। अब ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है, नेक्स्ट ये ओपन होती है मेल जेनिटल पोर के अंदर। तो ये इजेक्यूलेटरी डक्ट ओपन होगी, लीड करेगी मेल जेनिटल पोर के अंदर। और ये जो मेल जेनिटल पोर है ये प्रेजेंट होता है, ये लोकेट करता है एनस के वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड टू एनस, एनस जो प्रेजेंट होगी उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, यानी कि बिटवीन 9th एंड 10th स्टर्ना, ये पोजीशन होती है मेल जेनिटल पोर की। अब इसके अंदर हमने बात की थी कि यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो अगर हम इजेक्यूलेटरी डक्ट का ऐसे सेक्शन कट करके देखें, तेज कट करके देखें, तो इसके अंदर जो एक यहाँ पे अंदर की साइड जो वॉल प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर वॉल, इस वॉल को बोला जाता है ग्लैंडुलर वॉल। और ये ग्लैंडुलर वॉल का काम क्या है, इसका काम है जो स्पर्मेटोफोर होता है, स्पर्मेटोफोर होता है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, स्पर्मेटोफोर की थ्री लेयर्स होती हैं, उन थ्री लेयर्स में से जो मिडल लेयर है वो ग्लैंडुलर वॉल फॉर्म करती है, यानी कि स्पर्मेटोफोर की मिडल लेयर ग्लैंडुलर वॉल जो है इजेक्यूलेटरी डक्ट की वो फॉर्म करेगी। अब ये जो स्पर्मेटोफोर है ये क्या होता है, ये बंडल्स होते हैं स्पर्म के सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, यानी कि सेमिनल वेसिकल्स जो होंगे उनके अंदर स्पर्म्स के बंडल प्रेजेंट होंगे, उनको ही स्पर्मेटोफोर बोला जाता है। अब नेक्स्ट ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है ये ओपन हो जाएगी नेक्स्ट यूट्रिकुलर और मशरूम ग्लैंड के अंदर, ये ओपन हो जाएगी यूट्रिकुलर और मस्कुलर ग्लैंड के अंदर। तो नेक्स्ट है यूट्रिकुलर ग्लैंड, इसके अंदर ये ओपन होगी, इसको मशरूम ग्लैंड भी बोला जाता है, इसको मशरूम ग्लैंड भी बोलते हैं। वाइटेस्ट होती है ये, वाइटेस्ट कलर की लार्ज साइज मशरूम सेप की होती है, क्योंकि मशरूम ग्लैंड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मशरूम सेप की होती है, जो कि प्रेजेंट होती है वैसा डिफरेंसिया और जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है, वैसा डिफरेंसिया एंड जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है इनके जंक्शन के ऊपर, इनके बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होगा वहाँ पे प्रेजेंट होती है यूट्रिकुलर ग्लैंड। तो यहाँ से ये क्या आई है, ये यहाँ से वैसा डिफरेंसिया आया और ये यहाँ पे इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है निकल रही है, तो इसके जंक्शन पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये तीन स्मॉल सैक लाइक ब्लाइंड ट्यूबुल्स की बनी होती है, ये जो ग्लैंड है ये जो यहाँ पे ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है ये वाली, ये बनी होती है तीन स्मॉल सैक लाइक ब्लाइंड ट्यूबुल्स की,
यानी कि यूट्रिकुलर ग्लैंड के अंदर फर्दर तीन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, फर्दर तीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होंगे, जिनमें से एक होगा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, जो ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो बाहर की साइड इसको सराउंड कर रहा है ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूल है। सेकंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्मॉल ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल। एंड थर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो ये तीन ब्लाइंड सैक जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ये तीन ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड के अंदर। अब अगर हम इन तीन ब्लाइंड सैक्स की बात करें कि कौन सा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग ट्यूब्यूल और यूट्रिकुलर मेजरस। ये जो होती है सबसे फर्स्ट ब्लाइंड सैक जो होता है लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर इन शेप होता है, एंड पेरिफेरल ट्यूब्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये पेरिफ्री के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा इसका काम क्या है, इससे जो सीक्रेशंस होंगी वो फॉर्म करेंगी इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर की इनर लेयर ये फॉर्म करेंगी। क्योंकि हमने बात की थी कि स्पर्मेटोफोर की तीन लेयर होंगी, जिसमें से मिडल लेयर जो है वो फॉर्म की थी इजेक्यूलेटरी डक्ट की ग्लैंडुलर वॉल ने, और नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट जो इनर लेयर है वो फॉर्म की जा रही है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और यूट्रिकुलर मेजरस के थ्रू। सेकेंड है स्मॉल ट्यूब्यूल्स और यूट्रिकुलर ब्रेवियोरस। ये जो होती है ये एंटीरियो मीडियन इन पोजिशन होती है, एंटीरियो मीडियन इन पोजिशन होती है, ये पे प्रेजेंट होती है एंटीरियो मीडियन पोजिशन पे ये प्रेजेंट होगी। स्मॉल साइज सैक होती है, ये कैसी होती है, जैसे कि लॉन्ग ट्यूब्यूल लॉन्ग साइज की थी, ये स्मॉल साइज्ड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो सीक्रेशंस होंगी, अब इसकी सीक्रेशंस क्या करती हैं, स्पम्स को नरिश करती हैं, तो इसकी जो सीक्रेशंस जो भी होंगी वो क्या करेंगी, स्पम्स को नरिश करेंगी, नरिश द स्पम्स। नंबर थर्ड है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं, पोस्टीरियो मीडियन होते हैं, ये पोस्टीरियो मीडियन होते हैं, इन पोजिशन होते हैं, लार्ज साइज के वेसिकल्स होते हैं। इनका साइज कैसा होता है, लार्ज साइज्ड वेसिकल्स होते हैं ये। इनका काम होता है स्पम्स को स्टोर करने का, स्पम स्टोरेज का काम क्या कौन करता है, सेमिनल वेसिकल्स करते हैं। अब ये जो है सेमिनल वेसिकल्स स्पम्स के साथ मिलके, यानी कि बहुत सारे स्पम्स के बंडल सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्मेटोफोर फॉर्म करते हैं, कि क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्पर्मेटोफोर फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ये यूट्रिकुलर और मस्कुलर ग्लैंड थे ये ओपन होगी फैलिक ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट किसके अंदर ओपन होगी, फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड के अंदर। यहाँ से ये जो फैलिक ग्लैंड है, ये वाली फैलिक ग्लैंड होगी, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये जो फैलिक और कॉन्ग्लोवेट ग्लैंड है लार्ज होती है, लार्ज इन साइज होती है, वाइटेस्ट कलर की होती है, वाइटेस्ट इन कलर, वाइटेस्ट कलर की होती है, इलोंगेटेड होती है एंड लीफ लाइक होती है, इलोंगेटेड एंड लीफ लाइक ये ग्लैंड होती है, और साथ में ये और ये क्लब शेप की भी हो सकती है, क्लब शेप्ड भी हो सकती है ये। तो ये क्या होती है, फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड होती है। पोजीशन क्या होगी, प्रेजेंट कहाँ होगी, ये प्रेजेंट होती है वेंट्रली, वेंट्रली बिनिथ द इजेक्यूलेटरी डक्ट, इजेक्यूलेटरी डक्ट के नीचे ये प्रेजेंट होती है, एंड साथ में क्या होगी, यूट्रिकुलर ग्लैंड,
इनके नीचे ये प्रेजेंट होती है फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है ये ओपन होती है फैलिक डक्ट के अंदर। ग्लैंड है, ग्लैंड किसके अंदर होगी? फैलिक डक्ट के अंदर ओपन होगी। ये ओपन हो जाती है फैलिक डक्ट के अंदर। और फैलिक डक्ट जो है इसको, फैलिक डक्ट ओपन होती है मेल गोनोफोर के अंदर। ये ओपन होता है मेल गोनोपोर के अंदर। तो ये आउटर आउटर साइड ओपन हो जाता है मेल गोनोपोर के अंदर। काम क्या है इसका? इसका काम होता है आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोम फॉर्म करने का। आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर की जो आउटर लेयर है वो ये फॉर्म करेगी फैलिक ग्लैंड। तो इसकी तीन लेयर थी स्पर्मेटोफोर की जो अलग अलग। फर्स्ट जो इसकी मिडल लेयर थी वो इजेक्यूलेटरी की ग्लैंडुलर वॉल ने फॉर्म की थी। इसके बाद इसकी जो इनर मोस्ट लेयर थी, इनर लेयर थी वो फॉर्म की गई थी, इसकी इनर लेयर फॉर्म की गई थी जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स थी यूट्रिकुलर मेजरस की। एंड जो इसकी सबसे आउटर लेयर है वो फॉर्म की गई है फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड ने। इसके अलावा जो मस्कुलर, जो मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड जो होती हैं, ये दोनों जो ग्लैंड होती हैं ये क्या होती हैं? मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड्स ये होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ये फैलिक ग्लैंड है ये किसके अंदर ओपन होती है? जेनिटियल पाउच के अंदर या फिर आउटर में मेल गोनोपोर के अंदर ये ओपन होगी। तो अगर हम बात करें जेनिटियल पाउच की, जेनिटियल पाउच जो होता है हाइंड एंड होता है एब्डोमन का। जेनिटियल पाउच होता है हाइंड एंड ऑफ एब्डोमन। एब्डोमन का सबसे हाइंड एंड होता है ये, जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक कलर का ये जो यहाँ पे सराउंड कर रहा है ये क्या है? यहाँ पे ब्लैक कलर जो सराउंड कर रहा है ये है जेनिटियल पाउच। अब इस जेनिटियल पाउच के अंदर मेल गोनोपोर भी प्रेजेंट होगा, गोनेपोफाइसिस भी प्रेजेंट होंगे। ये प्रेजेंट होता है, इसके बाद ये बाउंड किया जाता है। जो जेनिटियल पाउच है ये बाउंड किया जाता है, बाउंडेड बाई 9th and 10th टर्जा। जो 9th and 10th टर्जा है डोर्सली, ये डोर्सली ये बाउंड किया जाता है। एंड वेंट्रली, वेंट्रली कौन करेगा इसको? 9th sternum वेंट्रली। तो ये जो जेनिटियल पाउच है 9th and 10th टर्जा इसको डोर्सली बाउंड करके रखते हैं एंड 9th sternum इसको वेंट्रली बाउंड करके रखता है। यहां पे प्रेजेंट होते हैं डोर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनिटल पोर, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गोनापोफाइसिस। ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जेनिटियल पाउच के अंदर। डोर्सल एनस प्रेजेंट होगी, वेंट्रल साइड मेल जेनिटियल पोर प्रेजेंट होगा एंड साथ में यहाँ पे गोनेपोफाइसिस भी प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट जो है अगर बात करें गोनेपोफाइसिस की और फैलोमियर्स की, गोनेपोफाइसिस जो होते हैं, गोनेपोफाइसिस को फैलोमियर्स और एक्सटर्नल जेनिटीलिया भी बोला जाता है, इसको एक्सटर्नल जेनिटीलिया भी बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट है यहाँ पे गोनेपोफाइसिस, ये जो यहाँ से ये ट्यूब सी निकल के आई है ये क्या है? गोनेपोफाइसिस है। तो ये जो गोनेपोफाइसिस है इसके अंदर तीन इरेगुलर काइटिनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 irregular काइटिनियस स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? गोनेपोफाइसिस और फैलोमियर बोला जाता है। तो तीन इसके अंदर फैलोमियर प्रेजेंट होते हैं, तीन इसके अंदर फैलोमियर प्रेजेंट होंगे। इन फैलोमियर्स में से एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट
एंड थर्ड होगा वेंट्रल। ये तीन यहाँ पे गोनेपोफाइसिस या फिर फैलोमियर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फैलोमियर है, अब फैलोमियर जो है सराउंड करता है मेल जेनिटियल पोर को। मेल जेनिटियल पोर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है मेल जेनिटियल पोर, ये हो गया यहाँ पे बीच में मेल जेनिटियल पोर। इस मेल जेनिटियल पोर को ये गोनेपोफाइसिस है ये क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फैलोमियर भी बोलते हैं। तो फैलोमियर इसको क्या करता है, सराउंड करता है जेनिटियल पोर को। एक्सटर्नल जेनिटियल होता है मेल का, ये एक्सटर्नल जेनिटियल एक तरह से जेनिटीलिया बोल सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटीलिया होता है मेल्स के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटीलिया मेल्स के अंदर। साथ में ये कोपुलेशन के अंदर हेल्प करता है, हेल्प इन कोपुलेशन, जब कोपुलेशन होती है उस टाइम पे ये हेल्प करता है। अब फैलोमियर्स जो थे लेफ्ट राइट एंड वेंट्रल, तो अगर राइट फैलोमियर की बात करें, राइट फैलोमियर जो होगा ये राइट फैलोमियर है, यहाँ पे ये राइट फैलोमियर है। राइट फैलोमियर के अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल अपोजिंग प्लेट्स का, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक पेयर प्रेजेंट होता है, ये अपोजिंग प्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो गई ये हो गई, ये अपोजिंग प्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक पेयर प्रेजेंट होगा अपोजिंग प्लेट्स का, हॉरिजॉन्टल अपोजिंग प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स हैं इनके अंदर, ये प्लेट जो है इनके अंदर कौन कौन से कौन कौन सी प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है लार्ज सीरेट लोब। ये जो नीचे की तरफ ये दिखाया गया है ये क्या है, लार्ज सीरेट लोब है, सीरेट लोब है, एक लार्ज सीरेट लोब होगा, बहुत सारे स्मॉल और दो लार्ज टीथ प्रोसेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे तो स्मॉल प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ दो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टू यहाँ पे लार्ज टीथ लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट है, या फिर लार्ज टीथ, हाँ टीथ लाइक प्रोसेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पे एक हुक प्रेजेंट होता है, ये जो है यहाँ पे ये हुक प्रेजेंट होगा, साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक कार्व्ड सिकल शेप, सिकल शेप या फिर सिकल लाइक लोब प्रेजेंट होता है, जिसको टर्मिनल हुक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल हुक बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं राइट फैलोमियर के अंदर, एक सीरेट लो प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल टीथ लाइक प्रोसेसेस एंड दो लार्ज टीथ लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। एक हुक प्रेजेंट होता है, सिकल शेप लोब होता है या फिर वो कवर्ड होता है, और इसको कर्व्ड होता है या फिर इसको टर्मिनल हुक बोलते हैं। नेक्स्ट होगा इसके अंदर लेफ्ट फैलोमियर, ये लेफ्ट फैलोमियर ये होता है। अगर लेफ्ट फैलोमियर की बात करें तो इसका बेस ब्रॉड होता है, बेस जो है इसका ब्रॉड होगा, बेस ब्रॉड होगा और बैकवर्डली डायरेक्टेड इसके अंदर प्रोसेसेस प्रेजेंट होंगी जिनको आर्म्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी बैकवर्डली पीछे की तरफ डायरेक्टेड प्रोसेसेस प्रेजेंट होंगी, जिनमें से इनको आर्म्स भी बोलते हैं, इन प्रोसेसेस को आर्म्स भी बोलते हैं, जिनमें से एक आउटर मोस्ट, ये जो यहाँ पे साइड आई है ये ही प्रोसेसेस है, ये वाली प्रोसेसेस है, जिनमें से एक होती है यहाँ पे आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे होती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट सूडोपेनिस। इसके अंदर सूडोपेनिस प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रही है क्या है, सूडोपेनिस है, और इस सूडोपेनिस के एक ब्रॉड हैमर लाइक हेड प्रेजेंट होता है। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये एंड के ऊपर एक ब्रॉड क्या प्रेजेंट है, हैमर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हैमर लाइक हेड प्रेजेंट है यहाँ पे। साथ में इसके क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक लॉन्ग सिलेंडर
यहाँ पे ये प्रेजेंट है, जो इस साइड ये प्रेजेंट है येलो कलर का जो नजर आ रहा है, ये प्रेजेंट होता है टिटिलेटर। यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट होगा, लॉन्ग लॉन्ग सिलेंडर टिटिलेटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये टिटिलेटर जो है एक स्मॉल सॉफ्ट स्पाइनी, ये जो टिटिलेटर है ये क्या बियर करता है, एक तो स्मॉल यहाँ पे एक ए सेपरेट लोब प्रेजेंट होता है। ये जो लोब प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, ए सेपरेट लोब इसका प्रेजेंट होता है। तो एक तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है ए सेपरेट लोब, और ये ए सेपरेट लोब कहाँ प्रेजेंट है, नियर सूडो पेनिस, नियर सूडो पेनिस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया लेफ्ट फैलोमियर का, जिसके अंदर बैकवर्डली डायरेक्टेड प्रोसेसेस और आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से एक होता है सूडो पेनिस, सेकेंड होता है टिटिलेटर, और ये टिटिलेटर जो है वो प्रोवाइड करवाता है ए सेपरेट लोब। नेक्स्ट है वेंट्रल फैलोमियर, ये वेंट्रल फैलोमियर है। जो वेंट्रल फैलोमियर होता है स्मॉल एंड सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉल एंड सिंपल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है, ये लोकेट करता है जस्ट जो राइट राइट फैलोमियर है उसके बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड राइट फैलोमियर, जस्ट बिहाइंड राइट फैलोमियर, राइट फैलोमियर के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होता है। जो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, यहाँ पे ऐसे टेस्टिस प्रेजेंट थी, टेस्टिस से जो है वैसा डिफरेंसिया निकल रही थी, और यहाँ पे प्रेजेंट था फैलोमियर। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट थी कुछ ऐसे करके इजेक्यूलेटरी डक्ट थी, और यहाँ पे जो ये गोनेपोफाइसिस हमने बात की थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ऐसे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो काइटिनियस प्लेट्स है, जिनमें से एक हो गई राइट फैलोमियर, एक हो गई लेफ्ट फैलोमियर, और थर्ड हो गई वेंट्रल फैलोमियर। अब इसके अंदर ब्रॉड ब्राउन प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ये जो वेंट्रल फैलोमियर है इसके अंदर ब्रॉड ब्राउन प्लेट्स प्रेजेंट होती है, जिसको मेल जेनिटिल अपरेचर बोलते हैं। ये गोनोपोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेल जेनिटल अपरेचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया वेंट्रल फैलोमियर। तो ये तीन पार्ट्स हो गए, वेंट्रल फैलोमियर, राइट फैलोमियर एंड लेफ्ट फैलोमियर, जो कि किसके पार्ट्स हैं, गोनेपोफाइसिस फैलोमियर्स के या फिर एक्सटर्नल जेनिटिलिया के। एंड फाइनली स्पर्म्स जो है वो मेल जेनिटियल अपरेचर के थ्रू क्या कर दी जाएंगी, इजेक्ट आउट कर दी जाएंगी। तो ये पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की वीडियो हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।